हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। आज हम खड़े हैं बांधी ग्राम पंचायत में। यहाँ के लोगों का कहना है कि हमारे यहाँ 500 वर्ष बीत गई, यहाँ पे गौशाला अस्थाई नहीं था। गौशाला को लेके कई तरह की दिक्कतें आई। सबसे ज़्यादा किसान भाई को दिक्कतें आई। जब फसल तैयार होती है तो जानवर, जो अन्ना जानवर है, वो फसल चर के खा जाती है। जो पहले पूर्व प्रधान था वो अपने ज़मीन में गौशाला बनाया था और गौशाला हटा भी दिया, तो अब अस्थाई गौशाला नहीं है, इसलिए इधर उधर जानवर भटकते रहते। हम लोग अब बुवाई भी कर रहे हैं जोड़ बजरा और धान की, मगर अन्य जानवर के कारण हमारी फसल नहीं तैयार हो पा रही। दिन रात हमें तीखना भी पड़ता है, मगर तब भी थोड़ी सी चूक जाते हैं तो हम लोगों की फसल चर जाती। एक तरफ तो सरकार कहती है कि गौशाले की सुविधा हर गांव में, हर ग्राम पंचायत में है, कोई जानवर को लेके कोई किसानों को दिक्कतें नहीं होगी, मगर हकीकत में देखा जाए तो गौशाला नहीं है। जो बने भी है तो टेम्परेरी बने हैं। गौशाला के चलते जो होता है हमारी फसल को नुकसान होता है। ज़मीन पड़ी है लेकिन प्रधान अभी तक बनवाया नहीं, इस काम से हमें काफ़ी दिक्कत हो रही है जी। तो किस तरह की फसल तैयार करते हैं आप, कितनी महंगी? जैसे धान हो गया, जुड़री हो गई, अरहर हो गया, बाजरा हो गया, इस तरह के फसल उगाते लेकिन हमारी फसल बच नहीं पाती है। तो जब से गौशाला की व्यवस्था हो गई तब से ऐसी दिक्कतें होने लगी। इससे पहले किस तरह की फसल होती थी? अब यही सब फसल उगाते हैं लेकिन जो तो गौशाला के चलते जो तो नुकसान हमारा काफ़ी होता है। तो कभी इसके बारे में प्रधानों से किसी से चर्चा की है? अभी तो सर हमने चर्चा नहीं की है। जो हमारा नया प्रधान उससे अभी हम चर्चा नहीं किए हैं। जो पुराना प्रधान था अभी बनवाया नहीं हमारे यहाँ गांव प्राची में। जब से पूर्व प्रधान था तब से नहीं बनवाया? नहीं बनवाया जी। वहाँ के जानवर कहाँ पे बांधते थे? सब वैसे घूमते थे अपने अपने खेतों में, आदमी रात दिन लगा रहता था हाँकने में। गौशाला में देखो रोज के 10 जानवर मरते, भूखे मरते, क्या मतलब है गौशाला बनवाने का? तो गौशाला बनते भी है तो वो खान पियन की व्यवस्था नहीं करते? कुछ नहीं। तो जो सरकार का नियम है कि गौशाला बनना चाहिए, जो अन्ना जानवर है वो सुरक्षित रहे, तो जब सरकार इतनी व्यवस्था कर पाए तब तो ये सरकार की कमी है। जो वर्करों को देती वर्कर खा के बैठ जाते हैं वहाँ, पूरे पशुओं भूखे के मारे, पेट के मारे मर जाते हैं। कितने सालों से ऐसी समस्या आ रही है? ये कम से कम 10-15 सालों से ऐसी समस्या है। कभी लग रहा कभी सुधरेगा ये समस्या? सुधरेगी, समय आने पे सुधर जाएगी। जब मोदी की सरकार हटेगी तब इस समस्या का हल होगा। जब तक मोदी की सरकार रहेगी तब तक ये अत्याचार बंद नहीं होगा। तो आप किसान भाई हैं, जैसे जानवर अन्ना जानवर हैं, तो किस तरह से आपकी फसल तैयार करते हैं आप लोग? बहुत परेशानी से मैडम जी तैयार होती है और चर भी जाती है, अन्ना पशुओं से चर जाती है, और रोड में पशु बैठते हैं तो रोजाना एक्सीडेंट भी होते हैं। क्यों, आपके यहाँ गौशाला नहीं है क्या? गौशाला टेम्परेरी गौशाला था तो भी नहीं है? वो भी नहीं है। तो अब नया नहीं बन रहा? अभी नया का लागा नहीं लग रहा। तो कभी आप लोगों को प्रधान भी लगाने योग हो गया तो अभी नहीं लगा रहे? अब इसीलिए नहीं लगा रहे कि और लोगों लगाएं तो फिर सब मिल के लगाएं तो कुछ पशीवन हो, हर जगह तैयार हो, आदमी रोके, तो यही से नहीं लग रहा। बाला हमारे यहाँ बन रहा दूसरा। हाँ कहाँ पे बन रहा, कब तक में बनेगा? हमने काम स्टार्ट है अभी, पुराना वाला जहाँ गौशाला बना था प्रधान की जमीन में। तो भाई वो अपनी जमीन में तो रहने नहीं, हम भैरम बाबा के सामने करवा रहे हैं। भैरम बाबा के सामने? तो गौशाला में क्या क्या व्यवस्था होगी जानवरों को लेके? अब देखिए भूसा की व्यवस्था तो अभी मैं अपने जेब से किया हूँ। अभी बात नल की तो नल तो मुझे गड़वाना है। उसमें अब बनवाना तो है, अब तो ब्लॉक से लेंगे पैसा तब बनेगा। अब नए गौशाला का जब निर्माण होगा तभी इस समस्या का हल होगा।
तो जैसे किसान आप फसल तैयार करने लगे तो किसानों को किस तरह की दिक्कतें होती हैं? किसानों को तमाम तरह की दिक्कतें आ रही हैं। यही जानवरों को सुरक्षित कर दिया जाएगा तो किसान सुरक्षित रहेगा। जानवर सुरक्षित नहीं रहेंगे तो किसान कितना भी फसल बोएगा वो फसल नष्ट हो जाती है। काटते काटते एक भी फसल नहीं बचती है किसान के पास, किसान वैसे का वैसा रह जाता है। बांदी ग्राम पंचायत है, वहाँ पे गौशाला की व्यवस्था नहीं है ना बना है तो वहाँ पे अस्थायी रूप से ही है वहाँ पे। और स्थायी के लिए घूम के लिए अभी लेखपाल ने कहीं चिन्हांकन नहीं हो पाया है। तो इसी वजह से अभी वहाँ स्थायी रूप से ही है, क्योंकि आप लोगों के खिसे फसल भी बो रहे हैं लोग काफी दिक्कत स्थायी तौर पे है तो अभी तक संचालित थी तो अभी तो उसी की व्यवस्था करवाने के लिए कहा गया है कि उसी में व्यवस्था सभी करवाए तो अभी तो उसी में रखी जाएंगे। सर पूरे ब्लॉक में कितने गौशाला बने हैं? हमारे यहाँ टोटल 32 हैं। 32 पूरे 40 ग्राम पंचायत में स्थायी गौशाला है। जिसमें से दो जगह से शिफ्ट भी हो गए थे अतसुई और अरुआ से शिवों गौशाला में। हाँ तो 30 स्थानों पे संचालित है स्थायी तौर पे। और अस्थायी नहीं है? हाँ और जगहों पे अस्थायी है, एक बम्बेट में है और एक आपने जो बताया बांधी है, यहाँ पे अस्थायी तौर पे संचालित। तो इनका व्यवस्था किया जा रहा है, कब तक में होगा व्यवस्था? अब ये जैसे ही अब फसल बुआई का होने लगा है तो एक सप्ताह का समय दिया गया है, सारी व्यवस्थाएं सब अपनी करवा ले वहाँ पे, उसके बाद में फिर सभी को अंशों को। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी।